रेडियो खानवी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्थानीय सरकार में। स्थानीय सरकार हमेशा के जैसन लेके उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रवर्ती सानू जी। कार्यक्रम स्थानीय सरकार इतवार से शुक्र तक सचिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद 6 बजे तक अपने सुनत आइल बानी। और कार्यक्रम में हमने स्थानीय विषय वस्तु स्थानीय मुद्दा एगो समसामयिक विषय वस्तु पर भी केंद्रित रह के बातचीत करने सन। और उ विषय पर बातचीत करे के खातिर हमने एगो अतिथि भी लेके आनी सन। हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित हो चुकल बानी सन एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में बानी। और आज के अतिथि अपने के हम बता दी के बानी अनेरा स्वयंभू क्रांतिकारी के केंद्रीय सदस्य रहल बानी शिवम शाह। वहाँ से आज हमने बातचीत करे सन। खास करके पछिलका समय जौन संसद विघटन भइल बाटे और संसद विघटन के बाद खास करके नेकपा दू गो भाग में विभाजन हो चुकल बा ओली समूह वही तरह माधव नेपाल प्रचंड समूह। और आज तक आवत आवत दोनों समूह से एक दोसर ऊपर धमाधम कार्यवाही भी करे लागल बाटे। एगो समूह दोसर समूह पर विभिन्न स्थिति से कार्रवाई करत आइल बा। जेकरा अनुसार माधव नेपाल प्रचंड समूह से केपी ओली के पहले अध्यक्ष से हटा के कार्रवाई कैले रहे तो उकरा बाद आज ओली समूह द्वारा प्रचंड के कार्रवाई स्वरूप अध्यक्ष से हटौले बाटे। जी हाँ, दोनों समूह के जोर तोर से अभी काठमांडू में बैठक चल रहा बा अलग अलग। और बैठक में के कौन पक्ष ओर से जाई एमे जोड़ घटाव भी चल रहा बा। आवे वाला दिन में अगर अदालत से ई संसद विघटन के जौन बा प्रक्रिया ई खारिज ना हो, संसद विघटन के निर्णय खारिज अगर नहीं के होत तो आवे वाला बैसाख 17 आ 27 गते नेपाल में फिर से प्रतिनिधि सभा के चुनाव होके के डेट भी तो का चुकल बाटे। और इहे संदर्भ में बातचीत करम सन हमनी साथ में नेकपा के ही कुछ तो ना लगभग आधा से बेसी समूह कहल जाओ प्रचंड और माधव नेपाल समूह आंदोलन में जाए के भी आज उद्घोष कर दिले बा लोग संसद विघटन के घटना के विरुद्ध में। और आज के हमनी के अतिथि जे रहल बानी अनेरा स्वयंभू के केंद्रीय सदस्य शिवम शाह, वहाँ हमनी के कार्यक्रम में उपस्थित भी हो चुकल बानी। वहाँ से फोन संपर्क भी हमनी के हो चुकल बा। वहाँ के सबसे पहले स्वागत कर जाओ शिवम जी, सबसे पहले अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद राम जी। जैसे कि रौरा राउर जौन संगठन से जुड़ल बानी ओकर त संगठन तो मेन जौन पार्टी है नेकपा, नेकपा फूट चुकल बा। और फूटे के संसद विघटन भइल जब से फूटे के भइल और फूट के दू तरफ हो गइल बा, राउर विचार में संसद विघटन जौन भइल बा ई ठीक बा कि देश के खातिर खराब बा? जी देखल जब ई जौन कदम प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली लेले बाड़े ई बिल्कुल बिल्कुल भी असंवैधानिक बाटे। जनता के पक्ष में, गणतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बिल्कुल भी निर्णय नहीं है। जनता के स्पष्ट मैंडेट के लतियावे के काम जौन प्रधानमंत्री कैले बाड़े बिल्कुल गलत बाटे। और एकर विरुद्ध में हम जौन संगठन अनेरा स्वयंभू से आवेनी उस संगठन संयुक्त रूप में और संगठन सबसे भी मिल के विज्ञप्ति निकाल के एक विरोध कर चुकल बाटे। जनता के मैंडेट के लत्याए वाला काम बिल्कुल ही गलत बाटे, हमनी के बुझाई हुए रहल बा। तो जैसे कि रौरा लोग के हिसाब से गलत बा, अभी गलत बाटे तो एकरा के अब सचियावल जा सकता कि नहीं जा सकत? ओकरा खातिर कानूनी रास्ता बा,
हमनी के पार्टी के सांसद सब लोग ओकरा बाद से पार्टी के केंद्रीय सदस्य पार्टी के थाई कमिटी सदस्य लोग अब सम्मानित न्यायालय के रास्ता खटखटा चुकल बाटे। सम्मानित सर्वोच्च अदालत में रिट दायर करा चुकल बानी सन हमनी और सुनवाई भी हुई और हमनी स्पष्ट बानी सन और विश्वास बाटे नेपाल के न्यायालय पर पूरा विश्वास बा हमनी के कि वो फैसला जनता के पक्ष में गणतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र के पक्ष में रही और जनता के जन स्पष्ट देवल जन मैंडेट बा ओकरा के स्थापित कर ले। जी अब जैसे कि जो संसद विघटन के जो निर्णय बा लगभग केपी ओली समूह द्वारा कहत आवल गई बा कि ई निर्णय जौन बा ई निर्णय फिरता ना होई बैसाख 17 गते आ 27 गते चुनाव होई चुनाव में आई लगन तो खास करके चुनाव में गैला से समस्या का बा। देखल जाम राज्य के मूल कानून संविधानी है और संविधान के विरुद्ध हमें लाग के देश के जितना भी उपलब्धि गणतंत्र लोकतंत्र संघीयता लगायत संपूर्ण आंदोलन के ई रक्षा करे खातिर ई संविधान ही है और संविधान के धारा के संविधान के जितना भी मूल मान्यता बा ओकरा के लतिया के कोनो भी काम कइल उ गलत है और सम्माननीय प्रधानमंत्री जौनी काम कइले बाणे उ बिल्कुल गलत बाटे संविधान के विरुद्ध में उ कदम अगाड़ी चलले बाड़े उ कारण से पहले हमने सब के एगो धर्म कति बनाता कि पहले संविधान के रक्षा कइल ही एक हरेक नेपाली के हरेक नेपाली जनता के नेपाल के सारा पॉलिटिकल पार्टी सन के ही मूल मान्यता होके के चाहिए उहे मान्यता के आधार में रह के केपी शर्मा ओली जौनी काम कइले बड़न ओकर विरुद्ध में अभी हमनी खड़ा बानी। जी एक मतलब रौरा नेकपा के बानी सदस्य अनेरा स्वामी के केंद्रीय सदस्य बानी फिर भी ओली के कदम के विरुद्ध में बानी एक मतलब रौरा प्रचंड माधव नेपाल समूह में बानी है कि ना। कोनो पक्ष में रहला से भी ज्यादा कति बाकी हमनी न्याय के पक्ष में मानी सन गणतंत्र के पक्ष में मानी सन लोकतंत्र के पक्ष में मानी सन और सबसे बड़का हमनी संविधान के पक्ष में मानी सन। यानी कि अगर ओकर पक्ष में मानी लगन तो प्रधानमंत्री केपी ओली तो कह रहा बानी आई लगन चुनाव में होकबे करी ओकरा बाद हमनी फिर से संसद चलावल जाए तो उमे जाए से डर का है। डर कुछ के ना सबसे बड़का बात की अच्छा प्रधानमंत्री कह रहा बानी की अभी चुनाव में चल जाम अच्छा फिर चुनाव हुई फिर चुनाव लड़ल जाये कोनो पार्टी के सरकार आई और वो सरकार फिर से अगर संसद विघटन कर दी तभी चुनाव के अर्थ कथी बा क्या भरोसा बा कि चुनाव बिला के बाद से प्रधानमंत्री फिर से संगठन फिर से संसद के विघटन ना करिए अपन जब तक ले मन करी अपन जब तक ले काम हुई तब तक ले संसद ठीक जब काम अपन ना हुई जब कहीं से अवरोध होके लगी जब लोकतंत्र गणतंत्र के विरुद्ध में लगी लोग ओकरा बाद के आवाज उठाई तो संगठन संसद विघटन कइल तो ई तो गलत हुई नु यानी कि गलत हमनी खातिर जी मूल मान्यता ही संविधान है संविधान के ऊपर कुछ नहीं के। अब जैसे कि पछिलका दिन में प्रधानमंत्री ओली कह रहल बन चुनाव के जोर तोर से तैयारी कर लगन है कि ना और खास करके अदालत में जौन रीट रहे वो रीट के बयान फिर से संवैधानिक इजलास में सुनवाई हो रहा बाटे और खास करके बहुत दल भी भितरे भितरे चुनाव के ही तैयारी में हो चुकल बा जैसे कांग्रेस के देखल जाओ तो अभी तक कोनो खास करके 3-4 दिन से केंद्रीय समिति के बैठक बैठ रहा बा आंदोलन के आज भल उद्घोष कैलक लोग तो जैसे कि भितरे भितरे चुनाव के भी तैयारी करे के आ देखावे के खातिर आंदोलन भी करे के ऐसा तो नहीं न हो। अब जितना हमर बुझाई बाटे नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र के पक्षधर पार्टी है वो पार्टी कभी भी संविधान के विरुद्ध में जाके चुनाव खातिर सत्ता खातिर मरी हत्ते ना करे के चाहिए। यदि नेपाली कांग्रेस संविधान के लतिया के ऊ भी चुनाव में जाए के चाहता था नेपाली कांग्रेस के भी आज से लोकतंत्र विरोधी घोषणा कर देला से हुई पर हम विश्वस्त बानी नेपाली कांग्रेस जैसन पार्टी कभी भी संविधान के विरुद्ध में जाके चुनाव में ना जाए। यानी कि चुनाव में ना जाए कही ना जैसे कि पछिलका दिन रौरा तो अब नेकपा से जुड़ल ही कार्यकर्ता बानी युवा बानी ऊपरला तह के जो निर्णय बा खास करके संसद विघटन करे के अवस्था काहे आई दू तिहाई के बहुमत रहे लगभग लगभग नेकपा के इतना विश्वास करके जनता वोट दिले रहे फिर भी संसद विघटन काहे करे के पड़ल।
देखल जाम लोकतंत्र के जहाँ प्रैक्टिस होकेला वहाँ आलोचना भी होकेला वहाँ समर्थन भी कइल जाला। ये सब होत होत भी यदि प्रधानमंत्री के कोनो भी किस्म के समस्या रहे, पार्टी में समस्या रहे, तो उनका बैठक में आके बोले के चाहिए, बैठक में आके अपन बात रहे के चाहिए, उनका कथी समस्या बा। ओकरा बाद भी हमनी के और भी कथी बुझाई बा कि प्रधानमंत्री के जने को महत्वाकांक्षी उनकर अपन जने को स्वभाव रहल बाटे, हमी सर्वशक्तिमान, हमी सब चीज, उस सब के कारण से भी उनका कहीं ना कहीं फील भइल होई और संग संसद विघटन कइले बाटे। यानी कि अब जैसे कि रौरा लोग के रौरा युवा बानी नेकपा के युवा बिहान भैया नेता बने के चाहता नहीं मानता नहीं, अब नेतृत्व दाई पोस्ट पर पुगे चाहता नहीं, तो नेकपा के ऐसा निर्णय से पार्टी आगे बढ़ी जैसा लागत अपने के, क्या कि अब तो कम्युनिस्ट लोग के लोग वोट ना दिए, अब ऐसा संसद विघटन कर दी दो तिहाई बहुमत लेके। ना ना, कांग्रेस के वोट देवे में, कम्युनिस्ट के वोट देवे में, चाहे कौन भी मधेशवाही दल के वोट देवे में मूल आधार ना हो। अपने चुनाव में जाता नहीं तो अपने को चुनावी एजेंडा कथी बा, अपने के पार्टी संविधान के रक्षा करे सकत है कि नहीं सकत, लगायत के सारा चीज के जोड़ घटाव करके नेपाली जनता चुनाव में मतदान करेला, और वो मतदान कब समय में नेपाली जनता के इतना भी लोग के बुर्वक ना समझे के पड़ल कि कौन निमन कौन सही नेपाली जनता ना छुटिया हो सकी। नेपाली जनता कभी भी वोट देवे के बेरा सब चीज सोच समझ के ही वोट देवेला, और उहे सोच समझ के ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग दू तिहाई के स्पष्ट मैंडेट देले रहे। जी जी। पर उ महत्वाकांक्षी भावना जोन प्रधानमंत्री में बा, उ प्रधानमंत्री के उ महत्वाकांक्षी भावना के कारण से आज ई दिन आयल बा, और ई दिन के कारण से हमने सब चीज हमने के झेले के पड़ रहा बा। जैसे कि रौरा लोग अपने घर में लड़े लगन आ जनता के दुख दे लगन, जैसे कि नेकपा के दूगो पक्ष के लड़ाई रहे, ओली गुट प्रचंड माधव गुट, अब ई दूगो गुट में तो देश तो बर्बाद होता, तो खास करके अपने लोग के चुनल तो जनता लोग के कहीं ना कि बहुत घाटा लागल, ऐसा नेता लोग के चुनल कहके ना अपने के वो बुझाई हुई, पर हमने में दोसर स्टैंड रखे नहीं, हमने कति बुझाई बा कि लड़ाई है, लड़ाई है प्रतिगामी शक्ति के बीच और प्रगतिशील शक्ति के बीच। अब जनता के बुझे के समय आ गई बा कि देश में प्रगतिशील के बा, प्रतिगामी के बाटे, देश में जनता के पक्ष में, देश के पक्ष में, संविधान के पक्ष में उठे वाला के पात्र बा, के लोग बाटे, मने सभी केहू के अपन अपन स्टेटमेंट आ रहा बाटे। ओ में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष के लोग के भी अपन अपन स्टेटमेंट आ रहा बा, वैसे ही दोसर पक्ष में रहल अभी पार्टी के दूगो अध्यक्ष के माधव कुमार नेपाल और प्रचंड के साथ जुड़ल लोग के भी अपन अपन स्टेटमेंट आ रहा बा। सब के एक जगह पर देख के अगर अपने लोगन एक विश्लेषण करें, व्याख्या करें लोगन, तो एकदम समझ में चल आई कि कौन प्रगतिशील बा, कौन प्रतिगामी बाटे, और कौन शक्ति, कौन पार्टी, कौन लोग इस देश में संविधान के रक्षा कर सके। यानी कि संविधान के रक्षा, देश के विकास करे के खातिर ही चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिल रहे, फिर भी तीन बरस में कम्युनिस्ट सरकार तो खाली कहल जाओ तो जनता के आश्वासन ही तो बटले रहे, रेल आ जाए, पानी जहाज आ जाए, है कि ना, खास करके काम भी तो नहीं के करे सकल, चुनाव में गई से तो हो नु इहे सब चीज के मतलब जौन जौन हमनी चुनावी एजेंडा सब लेके जनता के बीच में गई रहनी सन, उहे सब चुनावी एजेंडा काहे ना पूरा भइल कह के जब पार्टी केपी शर्मा ओली से पूछलक, तो ओकरा बाद से ही ई स्थिति ई परिस्थिति आगे आई। मने पार्टी पार्टी सरकार चलैलक, पार्टी के ही नेता सरकार के नेतृत्व कैले, पर उ सरकार पूर्ण तरफ से असफल हो गई। बात के पूर्ण रूप से आत्म आलोचना करत पार्टी में जब प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण लेवे खातिर बारंबार बैठक बुलावल गई, बैठक में प्रधानमंत्री ना आईले, लास्ट में पार्टी बाध्य होके उनका के कार्रवाई करके पार्टी अध्यक्ष पद से निष्कासित कैल गई। ओली प्रधानमंत्री ओली तो कहता नहीं कि उल्टे हम कार्रवाई कोई नहीं होता, आज भी कहता नहीं कि वो तो प्रचंड के हटे नहीं है, तो अपने के तरह कहें कि ये उनका कटेल ये अपने में जी, अपने लोगन पत्रकार बनी लोगन अपने लोगन के और बढ़िया सी बारे में जानकारी हुई कि पार्टी विधि पद्धति से चलेला, पार्टी के सिस्टम होकेला धन कम्युनिस्ट पार्टी में और भी ज्यादा विधि और पद्धति होकेला। अब पार्टी में रहल दू तिहाई
के केंद्रीय सदस्य लोग बैठ के बैठक बैठ के निर्णय करके उनका कार्रवाई कैले बा तो ऊ कार्रवाई मान्य हो कि ना हो तो जनता भी जानी निर्वाचन आयोग भी जानी अदालत भी बुझत हो और देश में रहल अपने सारा पत्रकार भी बुझत हुई लोग के बहुमत उनका कार्रवाई कर यानी कि अब अपन आपसी लड़ाई हो गई उनका कार्रवाई करियन पक्ष उन्हें कार्रवाई करी तो खास करके हमारे में और ही बुझाई कथी बाकी सिस्टम से कार्रवाई होगा सिस्टम कथी कहता विधि कथी कहता विधान कथी कहता तो पार्टी पार्टी अध्यक्ष के भी कार्रवाई करे खातिर केंद्रीय कमिटी होकेला और केंद्रीय कमिटी में स्पष्ट बहुमत के साथ और दू तिहाई के बहुमत के साथ अपने केहू के भी कार्रवाई कर सकता नहीं कह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विधान में स्पष्ट उ व्यवस्था कैल बा तो उ व्यवस्था के मानल जाए कि ना मानल जाए तो उहे व्यवस्था के आधार में रह के उहे विधान के आधार में रह के कार्रवाई कैल गेल बाटे उनका के और उस सब केहू के माने के पड़े और खास करके इस सब केहू के माने के पड़े कम्युनिस्ट सरकार जनता के सरकार हुए एगो कही ना कि गरीब के सरकार हुए फिर भी कम्युनिस्ट के सरकार रहले पर भ्रष्टाचार सबसे बेसी बढ़ल कह के आइल बात खास करके जौन स्वास्थ्य सामग्री खरीद में से लेके कोरोना महामारी में भी इतना भ्रष्टाचार भइल अब चुनाव होके या फिर कुछ तो खर्चा कहाँ से आई लगभग अपने लोग क्या देखा था देखिए बहुत विडम्बना के बाद बात जनता के पार्टी किसान के पार्टी मजदूर के पार्टी जब सरकार के नेतृत्व कैल जन जन अपेक्षा रहे जन मैंडेट लेके सरकार गई ओपर उकाब ना करे सकल अपने भल कहनी ओमनी जैसन कांड एति जैसन कांड ऐसा बहुत सारा कांड में सरकार मुछल और सरकार के खबरदारी करे खातिर जन स्पष्ट प्रतिपक्ष में जन सरकार पार्टी रहे वो पार्टी भी एमे असफल भइल एमे कहीं ना कहीं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व लोग भी असफल रहल और उहे चीज के स्पष्टीकरण खातिर जब प्रधानमंत्री के सरकार के पार्टी भीतर बुलावल गई तब उन लोग के अहम हो गई घमंड हो गई कि हम काहे जाए हम काहे बैठक में जवाब देम उहे सब कारण से इतना सारा विवाद की उत्पत्ति भइल और अंत में सरकार से हटावे खातिर पार्टी के बहुमत सांसद लोग उनका विरुद्ध में लागल ओकर उपज आज आई जौन भइल बा तौन हो रहल बा अब जैसे कि आए वाला दिन में जैसे एक दूसर पर कार्यवाही करता लोग खास करके अब तो चुनाव के तैयारी भी हो रहा बाटे बहुत लोग भितरे भितरे अब खास करके अपने जौन परसा जिला के एगो युवा नेता बानी परसा जिला में अगर चुनाव होता प्रतिनिधि सभा के सबसे बेसी तो कम्युनिस्टे के फायदा रही काहे कि एको क्षेत्र नहीं के जीतल परसा जिला में अब उ चुनाव के बाद अभी समय नहीं के आई अभी सम्मानित अदालत में हमने विश्वास कैले बानी सन देश के न्याय पर देश के संविधान पर देश के कानून पर देश के जनता पर देश के अन्य पार्टी लोकतंत्र के पक्षधर पार्टी सब पर हमने पूरा विश्वास कैले बानी सन और सब बहुत रख समय में अभी चुनाव के बारे में खासी सहल पहल चर्चा कैल कौन आवश्यक हम ना ठाने सन भीतरे भीतरे तो बहुत लोग तैयारी भी कर रहा बात अब लोग तैयारी करत है लोग अपन बुझाई हुई पर जे अब न्याय पर विश्वास ना करत हुई जे अदालत पर विश्वास ना करत हुई जे कानून पर विश्वास ना करत हुई जे संविधान विरोधी हुई वो लोग करत है यानी कि अपने लोग के पूरा विश्वास बा निर्णय जौन बा अदालत से खारिज हुई संसद फिर से बीतियावल जाए फिर से चली कह के एकदम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा इस विषय में अपन अपन धारणा सार्वजनिक कर चुकल बाड़े और हमी एकदम स्पष्ट बानी सन कि नेपाल सरकार जन अभी के जन सरकार बा केपी शर्मा ओली के उन लोग के जनता के पक्ष में आवे के पड़ी उन लोग के संविधान के पक्ष में आवे के पड़ी उन लोग के कानून के पक्ष में आवे के पड़ी और न्यायालय भी हमनी के पक्ष में जनता के पक्ष में गणतंत्र के पक्ष में अपन निर्णय सुनाई अब जैसे कि आज अभिन के खबर हम कही तनहु में चुनाव लड़े ला प्रधानमंत्री ओली के कांग्रेस नेता रामचंद्र पौडेल चैलेंज कैले बानी ये हमरा संगे चुनाव लड़ी है कि ना सब के चुनाव के तैयारी के स्वरूप में देखला जा सकता है अब रामचंद्र पौडेल के काल तक लेकर जो स्टेटमेंट सुनल जाए उनका विचार सुनल जाए तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव के पक्ष में ना लौकले वो भी कहीं ना कहीं संविधान के पक्ष में लौकले वो भी कहीं ना कहीं गणतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में रखने उनका पूरा जीवन भी लोकतांत्रिक आंदोलन प्रजातांत्रिक आंदोलन लगातार विभिन्न आंदोलन में उनका अपन योगदान बा
ई सब कई आदमी वो चीज बोलने हुई है आवेश में बोलने हुई है या 3 बरस बाद कौन चुनाव हुई ओमे लड़े ला कहले हुई है तत्काले 17 गते 27 गते जन कथित चुनाव के मिति तो कलबा उ सब ला कहले हुए जगह हमरा नेके बुझा यानी कि अब जैसे कि रौरा लोग जौन स्थानीय स्तर के नेता युवा लोग मानी लगन रौरा लोग के हिसाब से के ठीक बा कौन पक्ष ठीक बा माधव नेपाल पक्ष ठीक बा कि बोली पक्ष सही जा रहा अब एमे हमनी के बुझाई से भी ज्यादा सब लोग के बुझाई के में आवश्यकता बा जे गणतंत्र के पक्ष में बा जे लोकतंत्र के पक्ष में बा जे संविधान के पक्ष में बा उहे पक्ष निमन अब एमे हमनी लोगन के एनालिसिस करे के बेरा आइल बाटे कि कौन पक्ष गणतंत्र के पक्ष में अपन वकालत कर रहल बा कौन पक्ष संविधान के पक्ष में बोल रहल बाटे उहे पक्ष एमे पक्का पक्के निमन होई यानी कि अपने लोग के दोनों पक्ष प्यारा बा दोनों पक्ष ना हम एकदम स्पष्ट कर दल बानी कि अभी गणतंत्र के पक्ष में बोले वाला प्रचंड माधव नेपाल दरन का स्पष्ट झलनाथ खनाल लगात के नेता बा लोग तब पक्के भी जे आंदोलन से आइल बा जे आंदोलन के मर्म बुझले बा जेकर आंदोलन में योगदान बा उ नेता सब के अभी गणतंत्र प्यारा बा उ नेता सब के अभी संविधान प्यारा बा उहे नेता लोग के पक्ष में अभी सारा युवा सारा जनता उ यानी कि अपने लोग भी उहे पक्ष में बानी लगन कि हमनी के संविधान अनुसार संसद विघटन करे के ना मिली संसद विघटन के घटना जौन निर्णय बाटे संसद विघटन के निर्णय सम्मानित अदालत द्वारा खारिज हुई और संसद फिर से आई कह के अपने लोग विश्वास में बानी लगन जैसे कि आंदोलन भी होखे वाला बा रौरा जानकारी में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आवे वाला दिन में कथी कथी आंदोलन होखे वाला बा लगभग अपने तो युवा बानी अपने लोग के तो पहले था होके चाहिए आंदोलन घोषणा हो गई बा अपन जानकारी हुई अभी हम घंटा घर लगे खड़े आइल बानी अभी हमनी के ही संगठन के नेतृत्व में यहाँ मसाल जुलूस अभी हाल फिलहाल में दस से निकलल बाटे घंटा घर से निकल के मसाल जुलूस अभी माय स्थान के तरफ गई बाटे अपने सब फोन में बात करत समय में ही जुलूस निकल रहा बाटे ओकरा बाद से अनेरा सबू देश के और हमनी के सहयोद्धा संगठन सबके एकीकृत विज्ञप्ति भी 2 दिन पहले निकल रहे ई जन प्रतिगामी कदम बा ई जन संविधान विरोधी कदम बाटे केपी शर्मा ओली के ओकरा विरुद्ध में हमनी के प्रति विरोध के बिगुल हमनी फूक चुकल बानी सन और आंदोलन के और कड़ा रूप में और सख्त रूप में हमनी अगाड़ी बढ़ाए वाला बानी सन आज मसाल जुलूस निकलल बाटे बिहान से सड़क आंदोलन खातिर भी हमनी पीछे ना हटेम सन जी मसाल जुलूस केकरा पक्ष में आ केकरा विपक्ष में रौरा लोग निकल ले बानी संविधान के पक्ष में गणतंत्र के पक्ष में जन केपी शर्मा ओली संविधान के संविधान प्रति कू कइले बाने गणतंत्र प्रति जन कू कइले बाने ओकरा विरुद्ध में ई जुलूस निकल बा यानी कि रौरा लोग कहिना कि संविधान अनुसार संसद विघटन के जो निर्णय बा खारिज होके के चाहे रौरा लोग के मांग रहल बाटे और खास करके खारिज ना होई विश्वास तो करता नहीं लगन ठीक बा खारिज हो कहीं खारिज ना हो तब एक बहुत सारा विकल्प बाटे नेपाल में राजनीतिक आंदोलन के श्रृंखला देखल जाम एक इतिहास देखल जाम तो संसद से ना होके वाला चीज अदालत से होखेला अदालत भी जहाँ ना सकी तहाँ सड़क भी अभी ऑप्शन रहेला लोकतांत्रिक देश में गणतांत्रिक देश में सबसे बड़का ऑप्शन ही सड़क रहेला और सड़क में भी आवे से हमने पीछे ना हटेम सन आज से हमने शुरू भी कर ले बानी सन जहिया ई नियम जहिया ई संसद विघटन भइल ओ दिने भी हमने के संगठन सरलाही से हमने सरलाही में प्रदेश स्तरीय भेला में रहनी सन भेला के क्रम में ही जन ई न्यूज आई वहां से भी हमने आंदोलन के बिगुल फूकले रहनी सन वहां भी हमने सड़क के सड़क प्रदर्शन कैले रहनी सन और उ प्रदर्शन हमने ये कंटिन्यू रहल बाटे आज मसाल निकलने वाली सन कल से फिर विद्यार्थी युवा विद्यार्थी पार्टी के नेता लगायत के सब जनता के सहित हमने रोड सड़क पर रहे यानी कि रौरा लोग आंदोलन के बिगुल फूक दिले बानी लगन अब आंदोलन निरंतर जारी रही जब तक ले संविधान अनुसार संसद विघटन के जो निर्णय बा खारिज ना हुई अंत अंत में बानी सन शिवम जी युवा नेता बानी अपने खास करके नेता लोग के अपन सीनियर नेता लोग के का कहे के चाहे युवा लोग के का कहे के चाहे
हम सब केहू के ये अनुरोध करे के चाहे कि गणतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, नेपाली जनता के पक्ष में, और जो मैंडेट बा वो मैंडेट के पक्ष में सब लोगों के अब अपन आवाज बुलंद करे के परी। यदि सम्मानित अदालत पर सब लोग विश्वास करी लोगन, सम्मानित अदालत पके भी गणतंत्र के पक्ष में अपन निर्णय सुनाई, यदि वहां से भी कुछ कमी कमजोरी होता तो सड़क हमने ला ऑप्शन रही। युवा विद्यार्थी, देश के सब न्याय प्रेमी नेता लोग, जनता लोग सब के सड़क पर आवे खातिर हम आह्वान करे के चाहते जी। व्यस्त समय के बावजूद भी आंदोलन में रोड़ा लोग बानी लगन, और समय में आके रेडियो सानवी के समय देने एक खातिर रेडियो यूनिट के तरफ से, हमारा तरफ से भी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आवाज जनता के बीच में राखे खातिर हमरा के निमते ही नहीं राम जी, अपने के संपूर्ण यूनिट के और हमारा आवाज सुन रहा सभी जनता के, सान जी के सभी श्रोता के हम धन्यवाद देवे के चाहते जी। वहाँ रही अनेरा सोबू के केंद्रीय सदस्य शिवम शाह जी, खास करके नेकपा के जनवर्गीय संगठन भी हुए, अनेरा सोबू विद्यार्थी लोग के संगठन हुए, और उकरे केंद्रीय सदस्य वहाँ रही, और वहाँ के हमनी विचार सुनिए सन, खास करके संसद विघटन हो चुकल अवस्था में फिर से संसद जीवित हो कि ना, फिर से जीवित ना भैला पर का करम लगन, या फिर बैसाख 17-27 गते फिर से चुनाव हुई, एक बारे में हमनी रह के वहाँ से बातचीत करिए सन आज के खातिर। और विषय पर हमनी अपने के बता दी सन कि खास करके देश भर में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी चासो के विषय अभी जौन बा उ रहल बा संसद विघटन के निर्णय, उ संसद विघटन गैले तबार के केपी शर्मा ओली द्वारा भइल रहे, राष्ट्रपति द्वारा ओके स्वीकार करके संसद विघटन भइल, ओकरा बाद उत्पन्न परिस्थिति के कारण अभी राजनीतिक माहौल गरम बाटे, नेकपा विभाजन हो चुकल बा, ओली पक्ष, माधव नेपाल आ प्रचंड पक्ष, दुगो पक्ष में नेकपा विभाजन हो गइल बा। बैशाख 17-27 गते चुनाव के मिति भी तोका गइल बाटे, और फिर से प्रतिनिधि सभा चुनाव बैशाख 17-27 गते होके के मिति तोकाइल बा। इहे बीच में जौन संसद विघटन के निर्णय बा, एकरा के चैलेंज करत अदालत में रीट भी दर्ता भइल बा, और एकरा के खारिजी करके 13 गो रीट पड़ल बा, उ रीट पर सुनवाई हो तो संवैधानिक इजलास से अब सुनवाई होई, जैसे कि पूरा पता चले कि संसद विघटन के निर्णय खारिज होई, या फिर बैसाख 17-27 गते फिर से मध्य अवधि यानी कि 5 वर्ष ना पुगते प्रतिनिधि सभा के जौन म्याद रहेला 5 वर्ष, वो 5 वर्ष ना पुगते लगभग 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष से थोड़ा कुछ दिन बाद ही बैशाख 17-27 गते नेपाल में फिर से चुनाव होई। ये बात के अब अवस्था देखे वाला अवस्था का बा कि अदालत के निर्णय का होता, ये पर विशेष करके हमनी आए वाला दिन में भी चर्चा करम सन, आज स्थिति परिस्थिति के बारे में बातचीत करनी सन, और इहे बातचीत के साथ आज के निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमनी दूसरी अतिथि, दूसर विषय वस्तु पर चर्चा करे के खातिर रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज पर स्थानीय सरकार कार्यक्रम लेके अइबे करम सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद, कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत, कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल के विदा दी, सुनत रही रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज, नमस्कार।